मतलब दो हफ्ते और दो हफ्ते और समझ गए, हाय इतना निकल गया तो वो भी निकल गया। चलो रेडी रेडी, कैमरा लूँ देना, कैमरा लूँ मैं इनको देखूँ, कैमरा देखेंगे तो चलेगा, बात इनसे कर रहा हूँ, इसमें देखूँ। चलो रेडी रोलिंग। सो अविनाश और तृप्ति, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर को बड़ा ही प्यार मिल रहा है जी। सो ये लैला मजनू के बारे में हर कोई जानता है, बट इस लैला मजनू में क्या डिफरेंट है, क्या कुछ नया देखने के लिए? ये सवाल मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि लैला मजनू के बारे में क्या सब कोई जानता है, क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनसे जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे सब कहते हैं कि मेरे दोस्त जैसे मुझसे कहते हैं, अरे लैला मजनू इज़ लाइक देसी रोमियो एंड जूलियट। और मैं उनसे कहता हूँ, यार रोमियो एंड जूलियट तो शेक्सपियर की कहानी थी, लैला मजनू उससे भी कई साल पहले लिखी गई है और ये कहानी इतने सालों से चलते आ रही है। आज आज के वक्त में ये कहानी बहुत ही रेलिवेंट लगती है मुझे, खासकर ऐसे वक्त में जहाँ पे हर आदमी किसी चीज़ की तलाश में है, किसी किसी ख़ास की तलाश में है। और जो आइडिया हम ग्रो अप करते हुए सुनते थे सोलमेट्स, वो ख्याल हम वापस से लेकर आ रहे हैं इस फिल्म के थ्रू। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है आज के वक्त में। जो नया है इस फिल्म में वो ये है कि लैला अलग है, मजनू भी अलग है। कहानी लिखी अलग तरीके से गई है, जैसा कि पहले जब मैंने कहानी नहीं पढ़ी थी, ये वाली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, तो मेरे दिमाग में अलग इमेज थी लैला की भी और मजनू की भी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो देखा कि कैरेक्टर्स बिल्कुल ही अलग हैं, आज के ज़माने के लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं, स्टोरी की सेटिंग बदल दी गई है, मेन प्लॉट को छोड़ के मुझे लगता है सब कुछ ही बदल दिया गया है मूवी में, तो बहुत अलग है पुरानी लैला मजनू से। मुझे ये लगता है अगर मैं बताऊँ तो, अगर इस फिल्म का नाम लैला मजनू ना होता और आप ये फिल्म को देखकर वापस बाहर आते तो एक आज की कहानी देखते, और मैं आपको बताता कि ये जो कहानी आप देखकर आ रहे हैं ये लैला मजनू की कहानी है। सो ये खासियत है इस फिल्म की कि द सोल ऑफ द फिल्म, द क्लासिकल टेल इज केप्ट एज इट इज, बट इट हैज बीन कंटेम्पराइज, और आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग अ फिल्म। हाँ ये सवाल का तो आपको हमारे डायरेक्टर से पूछना है, हम हाँ, दोनों क्यों, उन्होंने हम में कुछ देखा, उसी क्या जर्नी थी पीछे, क्या किस तरह आप जुड़े उससे? उससे जुड़ने की बहुत लंबी कहानी है। 2016 में मैं दिल्ली में थी, तब मैंने पहला ऑडिशन दिया था लैला मजनू का, वो शायद मेरी जिंदगी का भी पहला ऑडिशन था। और उस वक्त शायद फिल्म बंद हो गई थी। उसके बाद 2017 में दोबारा, मुझे याद है मैं काम करती थी एक एजेंसी के साथ, और उन्होंने मुझे फिर से लैला मजनू की स्क्रिप्ट, सेम डायलॉग सेम सीन मेरे हाथ में आया, और जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने बोला अरे ये तो मैं ऑडिशन दे चुकी हूँ, बट शायद मुझे उस वक्त लगा कि मेरा रिजेक्शन हो चुका है, मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं, तो दोबारा देने का शायद कोई मतलब नहीं। फिर मैं किसी और चीज़ का ऑडिशन दे रही थी, किसी टीवी एड का ऑडिशन दे रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, और उसने मुझे बोला कि मेरे साथ चलो ऑडिशन पे, मुझे लैला मजनू का ऑडिशन देना है, फिर हम साथ में घर जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनके साथ ऑडिशन पे गई, मैं बाहर बैठ के उनका इंतज़ार कर रही थी, तो जो ऑडिशन ले रहे थे वो आए और उन्होंने बोला कि आपको भी देना चाहिए ऑडिशन, हम 2016 के बाद दोबारा ले रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो मैंने उनकी बात सुनी, मैंने फिर ऑडिशन दिया, तो फिर उन्होंने दोबारा अगले दिन मुझे बुलाया, जब मैं साजिद सर से मिली उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन लिया, उसके अगले दिन मेरा लुक टेस्ट हुआ, फिर ऐसे ही 2-3 राउंड ऑडिशन के हुए और मुझे बताया गया कि तू है मेरी लैला। मेरे लिए एक्चुअली ये थोड़ा सा लंबा रहा है। 2015 दिसंबर में मेरी साजिद से मुलाकात हुई, उस वक्त जो कास्टिंग कर रहे थे वो अनमोल आहूजा और अभिषेक बैनर्जी हैं, कास्टिंग पे एक कास्टिंग कंपनी है, दे वर डूइंग द कास्टिंग ऑफ द फिल्म। आई हैपन टू मीट साजिद विद थ्रू देम, एंड 2016 का पूरा वक्त मैंने फिल्म को टेस्ट देने में बिताया, इंतज़ार में कि शायद मुझे ये किरदार करने का मौका मिले। तो वो इंतज़ार की घड़ी जो थी वो काफ़ी लंबी थी और काफ़ी दर्दनाक थी, बट फाइनली 2017 में इवेंचुअली व्हेन द फिल्म गॉट रिवाइव्ड अगेन, मुझे मौका दिया गया कि मैं मजनू बनूं, और अब आपके सामने बैठा हूं, फिल्म के रिलीज का इंतज़ार कर रहा हूं। So, अविनाश, कोई भी आर्टिस्ट जो न्यूकमर होता है, डेब्यू करना चाहता है, वो किसी अलग तरह की स्टोरी पे बिलीव करता है, या जो मूवी ना आई हो, ये कुछ प्रेशर भी है कुछ आपके ऊपर? पता नहीं है सारे एक्टर्स कैसे सोचते हैं, मैं मुझे ये हमेशा लगता था कि मैं एक एक्टर हूँ,
मुझे एक अच्छी कहानी कहने का मौका मिले, एक अच्छा किरदार करने का मौका मिले, अच्छे डायरेक्टर्स हों, अच्छे प्रोड्यूसर्स हों। लैला मजनू एक कहानी है जो हज़ारों साल से चलती आ रही है और आज भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप आसपास जितने लोगों से पूछें तो उनको कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, नाम ज़रूर सुना है। तो ये मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम इस कहानी को आज के जनरेशन को बता पाए जो इतने समय से चलते आ रही है। मेरे लिए जैसा मैंने कहा, किरदार मजनू का ऐसा किरदार है जो जिसके इतने लेयर्स हैं कि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स वुड फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ एनवी विद इन कि ये किरदार मुझे करने का मौका मिला है। और जिस तरह से पेश किया गया है, जिस तरह से इंटर सर ने पेश किया है इसे और साजिद ने जिस तरह से डायरेक्ट किया है, ये अपने आप में बहुत ही फ्रेश है। एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है विच आई एम श्योर एवरी वन विल इंजॉय। हाँ, मुझे भी जब शुरू में जब मुझे पता चला था कि लैला का किरदार मुझे निभाने को मिला है, तो ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी सालों से जिनकी बातें चलती आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री में ही क्या, नॉर्मली भी ज़िंदगी में हम लैला मजनू इन दोनों के नाम लेते रहते हैं। तो जब मुझे पता चला कि मुझे लैला का किरदार निभाने को मिला है, तो शुरू में मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार दिया है इन दोनों को, शायद आज भी इसीलिए ये दोनों किरदार जिंदा हैं हमारे बीच। तो आपको ये लगता है कि या तो फिर आपको ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी एज देयर लैला एंड मजनू, या तो फिर उल्टा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि उल्टा ना हो। शुरू में काफ़ी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पर धीरे धीरे जब साजिद सर से मैं मिली और अविनाश से मिली, तो इन दोनों के साथ जब हमारा काम शुरू हुआ, शुरू में बहुत धीरे धीरे हमारा रीडिंग सेशंस हुए, फिर अलग अलग तरीके की क्लासेस हमारी ली गई, तो वो करते अलग करते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ लैला अलग तरीके की का क्लासेस ली हाँ, गई। तो वो करते करते कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब लैला का किरदार हम निभा सकते हैं और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। एक साथ एकता मैम भी, साजिद और इम्तियाज सर, क्या कुछ था आप लोग के जहन में, क्या कुछ उसके बारे में जरा बताइए क्या यार कुछ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि अगर आप देखें, एक तो इम्तियाज सर वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक फिल्म मेकर्स ऑफ आर टाइम्स, एकता मैम जो मुझे नहीं लगता, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए कि कोई और नहीं है इस इंडस्ट्री में जो तीन मीडियम्स पे इस तरह से रूल कर रही हो। और दोनों अपने आप में देखा जाए तो विचारधारा बहुत अलग है और उसके बाद भी एक बड़ी अजीब सी सिमिलैरिटी है, दे क्रिएटिव जीनियसेस इन देर ओन वेज। तो एक बड़ा ह्यूज स्पेक्ट्रम मिला है हमें क्योंकि दे आर ऑल लाइक चॉक एंड चीज। तो एक ये जो बैंडविथ है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। ऐसे दो लोग जो अपने काम में इतने माहिर हैं, उन लोगों ने हम पर ये भरोसा जताया है, इस बात की बेहद खुशी है मुझे। और एज यू सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, तो हमने अपना जितनी समझ है, जितनी हो सकती है हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब लगाने की कोशिश की है इस फिल्म को करते वक्त। और कहा जाता है कि अगर दिल और शिद्दत से सारा काम करो तो बहुत अच्छा होता है, तो उम्मीद है कि लोगों को भी पसंद आए। पसंद आएगा। क्या कुछ न्यू जानने मिला इंडस्ट्री के बारे में, कुछ नई बातें जो आप हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे इतिहास से या साजिद से। सबसे ज़्यादा न्यू तो ये है, इंटरव्यू ये प्रोसेस। जो इंटरव्यूज होते हैं हाँ, और आज क्या तक जवाब तो देने चाहिए। हाँ, आज तक ऐसा था कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं था हमारी लाइफ में, हाँ पर हाँ अब हाँ ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको सोशल मीडिया पे हजारों लोग रोज फॉलो कर रहे हैं और अपनी विशेस दे रहे हैं हम लोगों को, हमारे लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो वो भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार हमें लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशंस पर हमें खड़े उतरना है। एक तो वो है, ऊपर से पहली बार लोगों से बात करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा। भैया और एक्चुअली उसके साथ एक और चीज़ मुझे बहुत ये लगती है कि मैं हमेशा कहता था कि जो सपने देखते हैं उन उनको अपने सपने पूरे करने की जिम्मेदारी होती है क्योंकि दैट इंस्पायर्स अदर पीपल टू ड्रीम। और क्योंकि हम आप ही लोगों के बीच से आए हैं, हमें ये मौका मिला है। और कई लोग हैं ऐसे जो इसी तरीके के सपने देखते हैं जिन्हें हम आज जी रहे हैं। तो आई होप इट इंस्पायर्स एवरी वन कि इफ़ यू रियली ड्रीम इट, इफ़ यू रियली वॉन्ट इट एंड यू आर हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड, द लॉर्ड विल हेल्प यू। एंड उम्मीद है कि ये इट रीचेज आउट टू पीपल एंड इंस्पायर्स देम। सर की बात भी हो रही है और सोशल मीडिया पे भी बात चल रही है कि आपका
मजनू का जो कैरेक्टर रॉकस्टार से रिलेटेड है या कुछ ऐसा जी, खास? ये एक्चुअली मैंने भी इंटरेस्ट से कभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई मेरी, मैंने भी ये पढ़ा और अब एक्चुअली बैठकर बात भी करूँगा इस विषय पर। बट हाँ, मुझे सिमिलैरिटी अगर मैं देखूँ मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो ये है कि दोनों किरदारों ने एक सोसाइटी के प्रति अपने एंगस्ट को जाहिर किया है। और मजनू ने यह है कि जॉर्डन जो किरदार था उसी समाज के बीच रहकर फंसा हुआ रह गया, और मजनू शायद उनमें से था जो समाज को छोड़कर बाहर निकल गया। मुझे लगता है इम्तियाज़ सर ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया है और वो हमने पेश करने की कोशिश की है। आई होप लोगों तक वो पहुँचे। तृप्ति, आपने आज से 60 साल पहले की भी लैला मजनू देखी होगी आई हो, तो आज वो लैला मजनू और आज के लैला मजनू ये रियलिटी में देखिए कितना डिफरेंस देखा आपने? पुरानी लैला मजनू मैंने देखी तो नहीं, बट सुना ज़रूर है उसके बारे में, और बचपन से ही लोग बातें करते रहे लैला मजनू के बारे में, तो एक बेसिक स्टोरी लाइन क्या है वो तो मुझे पता ही थी। फिर उसके बाद जब ये वाली स्टोरी मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला बिल्कुल ही अलग है किरदार, जैसा कि मैंने आपको भी बताया किरदार बिल्कुल बदल गए हैं। लैला मजनू पुराने ज़माने में जैसे थे आज के ज़माने में बिल्कुल वैसे नहीं है। आज के ज़माने के लोग जैसी ज़िंदगी जीते हैं, जैसी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उसी स्पेस में बनाया गया है। स्टोरी की सेटिंग बिल्कुल चेंज की गई है, कश्मीर में सेट की गई है स्टोरी। कश्मीर चुनने का साजिद सर ने हमें बताया था, मेन रीज़न ये था कि कश्मीर इज़ अ प्लेस दैट इज़ स्टक इन टाइम, तो वहाँ के जो लोग हैं थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं आज भी उनको वैसी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मतलब लड़के लड़की को मिलने के लिए बहुत ही प्लानिंग, बहुत ही प्लॉटिंग करनी पड़ती है या आई थिंक जस्ट देश मिलने के के लिए। बहुत सारे हिस्सों में होता हाँ, है, बहुत सारे इश्यूज में शहरों को होता छोड़ है। दिया जाए तो आज भी वही तकलीफें हैं। पर कश्मीर उनमें से एक है, और जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे मुझे लगता है इम्तियाज़ सर और साजिद सर लाना तो चाहते थे, मॉडर्नाइज तो करना चाहते थे, बट वो चाहते थे इसमें एक क्लासिक टच भी हो, उसी के लिए जैसे लैला का किरदार है, पुरानी लैला हमने सुना है कबूतर पालती थी, तो वो चाहते थे कि आज की लैला भी कबूतर पाले, बट फिर उन्हें लगा कि यार अगर आज की लैला कबूतर पालेगी तो बहुत ही ऑफ लगेगा, क्योंकि आजकल की लड़कियां शायद कबूतर नहीं पालती। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये दिखाया है कि लैला मैंने प्यार किया फिल्म की फ़ैन है और थोड़ी फिल्मी लड़की है, तो ये सब किया गया। बाकी मुझे लगता है मेन प्लॉट छोड़ के सब कुछ ही बदल दिया गया है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो म्यूजिक हमने सुना बड़ा जबरदस्त धमाकेदार है, चारों तरफ रोमांस ही दिखाई दे रहा है, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल, अरिजीत, सो क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, म्यूजिक जो है, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि आई थिंक आई डेयर से दिस द म्यूजिक ऑफ द फिल्म इज वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ द फिल्म, द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द फिल्म। ये एल्बम जो है ये एप्ट है एक क्लासिकल एपिक लव स्टोरी के लिए, लाइक लैला मजनू। जितने लोगों का आपने नाम लिया, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मोहित चौहान, ऐसे दिग्गज लोगों ने गायकी की है। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कि हम उनका हिस्सा है। जिस तरह का म्यूज़िक दिया है जॉय बरुआ, नीलाद्री कुमार, एक दोनों ही बहुत ही अलग स्कूल ऑफ म्यूज़िक से आते हैं और दोनों का जो ये अमालगमेशन है ये आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है, विच इज वॉट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। सो इट्स एन एक्सपीरियंस जहाँ आपने प्यार मोहब्बत की कहानी तो सुनी है, देखी भी होगी, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसका वो इतना नया और इतना रिफ्रेशिंग है, विच इज़ वाई यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू साजिद अली हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। ही इज़ अ फ्रेश वॉइस, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने लाई है, जिस तरह की बोलचाल है फिल्म में, वो अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत ही इंजॉयबल है। सो तृप्ति बिरादर, आप सिंगिंग भी करती हैं प्रोफेशनली, कभी शौक है आपको तो कुछ अपनी फिल्म का कुछ गा के दो चार लाइनें सुनाया हो? जी, मैं भी सुनना चाहता हूँ। अरे 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 कौन सा गाऊंगी? तो आज जो हमारा गाना एक रिलीज हुआ है सरफिरी, जो मेरी फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल जी ने गाया है, इनका और ये सपना पूरा मेरा हुआ है। फेवरेट, हाँ मेरा बचपन से सपना था कि अगर कभी मैं एक्ट्रेस बनूँ तो मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग श्रेया मैम ही करें, और वो पूरा हुआ है, काफ़ी सपने पूरे हुए हैं मेरी इस फिल्म से। तो मैं एक सर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे, हाँ ये गाना मुझे देखकर गाओ ना। प्लीज प्लीज, हाँ, अरे यार पूरी फिल्म तुम्हें देख के करी है एक गाना मुझे भी यार। गाने सुनने मौका मिल जाए यार। ओके अच्छा, अपने डायलॉग से लो कौन से ये मुझे पहाड़। उस पहाड़ के उस पार जाना चाहता हूँ, पिछली बार नहीं जा पाया,
एक दिन देख लूंगा क्या है उस पार। सही कहते हैं लोग, पागल है तू। हम लोग कहते हैं तो सही कहते हैं। फिर फिरी सी बात है तेरी, आएगी ना ये समझ मेरी, है ये फिर भी डर मुझको, मैं न कह दूँ हाँ तुझको। हाँ सर फिरी सी बात है तेरी, आएगी ना ये समझ मेरी। टन टन आप टन जॉब है। बहुत मेहनत करनी पड़ी। नहीं मुझे तो नहीं, मैं आप देखिए ये सामने बैठी हुई है, कोई केमिस्ट्री पैदा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सब कुछ नेचुरली हो जाता है। जोक्स अपार्ट सर, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हमने, इम्तियाज सर ने भी हमारे साथ सीन पे काम किया है, जो विच वर्क ऑन केमिस्ट्री। हमने एशले लोबो सर है, उनके साथ हमारी वर्कशॉप्स होती थी, वो बेसिकली हमारी केमिस्ट्री और हाफिज हाफिज करके एक सॉन्ग है उस पर काम कर रहे थे, तो उन वर्कशॉप्स के दौरान कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती थी। बहुत ही इंटीमेट वर्कशॉप्स होते थे, मतलब वो थोड़ा फिजिकली इंटीमेट भी थे। हमारे उस वर्कशॉप में एशली सर और सोहिनी मैम जो कि असिस्टेंट थी उनकी, और हम दोनों के अलावा और किसी को परमिट नहीं किया जाता था। तो वो वर्कशॉप्स करने के बाद जो इनिबिशंस थे वो ऑब्वियसली धीरे धीरे चले गए। ऑकवर्डनेस जो हम शुरू में मिले थे बहुत ही ऑकवर्ड थे, और धीरे धीरे वी बिकेम वेरी कम्फर्टेबल, विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर फिल्म लाइक लैला मजनू। And I hope, I really hope it translates into the film and people really appreciate that. So Laila Majnu, अगर एक लाइन में कुछ आप कहना चाहें, Laila Majnu को प्रेजेंट करो, क्या कहेंगे, क्या सेंटेंस आप बोलेंगे? यार ये तो हमने हर तरीके हर जगह कहा है, और हमारी कहानी लिखी हुई है और लिख दी गई है और छपने भी वाली है, तो जब छप जाएगी 7 सितंबर को तो देखने जरूर जाइएगा। 7 सितंबर को पटल जी जी नहीं यार प्रेशर नहीं, इनफैक्ट पलटन में मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं हर्षवर्धन राणे, और हम दोनों एक दूसरे को 2005 के समय से जानते हैं, तो जिस दिन ये न्यूज़ हुआ हम दोनों ने एक दूसरे को कॉल किया, बोला भाई आज तो अपनी एक ही दिन पे फिल्म रिलीज हो रही है यार, आई एम गोना सेलिब्रेट इट, इट्स अमेजिंग हम दोनों के लिए, हम दोनों वी आर दी आउटसाइडर्स, और हमें ये मौका मिल रहा है अपनी फिल्म प्रेजेंट करने का, रिलीज करने का, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हर्षवर्धन ने पहले ही एक फिल्म कर ली है, ही हैज अ ग्रेट फैन फॉलोइंग एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म हिमसेल्फ। मैं तो चाहता था लैला मजनू गोज फॉर पलटन, पलटन कम्स फॉर लैला मजनू यार, दैट्स। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को, जो भी फैंस बनने वाले हैं उन्हें भी क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के लिए, हमारी फिल्म के लिए? या मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है, प्यार जैसे सब्जेक्ट के ऊपर है, बहुत ही मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी प्यार है और पिछले ज़माने में भी था, बस ये है कि हम लोग भूल गए हैं वो प्यार था क्या, तो वो वापस लाने की कोशिश की गई है हमारी फिल्म के ज़रिए, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आने के लिए आपको 7 सितंबर को जाना पड़ेगा थिएटर्स में और देखनी पड़ेगी ये फिल्म लैला मजनू, आज के ज़माने के लैला मजनू से मिलने का मौका मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा, ये गारंटी है। हाँ मैं इससे फिर कह रहा हूँ, देखिए हम पागल हैं और मैं जानता हूँ आप में भी बहुत पागल हैं, तो ये पागलों के लिए बनाई हुई फिल्म है, please come and watch it, it's a film which is about love, which explores the idea of love, ek jununiyat ki baat karti hai jo hum sab mein kahin na kahin chupa hua hai use ujagar karne ka mauka hai, please come and watch our film on 7 september and fall in love all over again. thank you so much, thank you, thank you, thank you so much.